Hello friends, welcome to GPS classes. मैं नवनीत सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों फिजिक्स, ठीक है। मैं इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी वाला जो पोर्शन था उसको मैं डिस्कस किया था। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरा ये अगर लेक्चर पूरा देख लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, तो फिर आपको कहीं लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन करो, हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि देखो अच्छे से समझो, ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, एक बॉडी जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में गई, 8 मीटर ईस्ट में गई और 10 मीटर वर्टिकली अपवार्ड गई, ठीक है ना। 6 मीटर नॉर्थ में गई है, 8 मीटर ईस्ट में गई है, 10 मीटर वर्टिकली अपवार्ड गई है, ठीक है। तो फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही निकालना फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो 6 मीटर नॉर्थ में गई है, 8 मीटर ईस्ट में गई है, तो 6 मीटर नॉर्थ में गई है, तो 6 मीटर, एक मिनट, 6 मीटर नॉर्थ में गई है, 8 मीटर ईस्ट में गई है और 10 मीटर वर्टिकली अपवार्ड गई है, 10 मीटर अपवार्ड गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले इसको, इस डायग्राम को समझो एनिमेशन के हेल्प से, 10 मीटर कि वो मूव कैसे कर रही है, 3 डायमेंशनल मोशन है, और वो किस टाइप का मोशन है आपको तो एक बार मैं फील कराता हूँ। आई होप कि आपको फील थोड़ा सा आ जाए। चलो देखो कि एक बॉडी जो है वो कैसे मूव की है। बॉडी कहाँ थी पहले, ओरिजिन पे थी, ठीक है, समझो इसको, बॉडी ओरिजिन पे थी। ओरिजिन से बॉडी चली नॉर्थ में 6 मीटर, 8 मीटर ईस्ट में और फिर सीधा ऊपर गई अपवार्ड 10 मीटर, ठीक है। बोर्ड के केस में वो बाहर आ जाएगी ऊपर, 3D व्यू आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो इसके करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना, करने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है, कि देखो 10 मीटर अपवार्ड गई है। पहला तरीका ये है इसको करने का, कि फर्स्ट मेथड ये है, इसको मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये है बच्चों, सीधा सीधा वाला, ठीक है ना, सीधा सीधा वाला, इनिशियल से फाइनल। बॉडी यहाँ थी, इनिशियली यहाँ थी, ठीक है, और फाइनली पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल एक लाइन ज्वाइन कर दें, ये वाली लाइन, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लें तो निकल जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, ये 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और ये 8 मीटर है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसी के प्लेन में देखो, ठीक है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट हाउ मच दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा यार, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 मीटर, ये आ गया 10 मीटर, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये ऑलरेडी 10 मीटर है। तो इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10√2, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर, अरे भाई 10 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, ये, ठीक है, 10√2, जो कि ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, 10√2 ए ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका, ठीक है ना, ये वाला क्लियर है, ये क्लियर है। दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, सेकेंड मेथड मैं आपको बताया था वेक्टर वाला, ठीक है ना, वेक्टर मेथड क्या करता था, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको आई जे के में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। ईस्ट में मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स वाई जेड, तो ईस्ट में गई है तो 6 i कैप, ठीक है, ईस्ट, समझ रहे ना, फिर समझो इसको यार, एक बार मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, सेकेंड मेथड समझना बहुत ज़रूरी है यार, वेक्टर वाला, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड वेक्टर वाला, चलो ये ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ये बोर्ड के बाहर अपवर्ड, ठीक है। तो जो कैसे चली है, 6 मीटर इधर गई, ठीक है ना, 6 i कैप एक्स में, फिर नॉर्थ में गई कितना, 8 j कैप, ठीक है। फिर बोर्ड के बाहर आ गई है, तो बोर्ड के बाहर आ गई है तो k कैप ले लेता हूँ मैं, ये बोर्ड के बाहर 10 k कैप, ठीक है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो 6 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 10 k कैप, ठीक है ना। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आए 10√2 मीटर सही है। आई होप कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड फाइनली 10√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन पोजिशन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो, ये कहाँ जा रहा है और गई कहाँ है और किधर मोशन हुआ है, ठीक है। तो एक पर्सन यहाँ से चला है, ठीक है, और किधर गया, 30 मीटर नॉर्थ में गया, नॉर्थ ऊपर ले लेता हूँ तो ये आ गया 30 मीटर, ठीक है। ओ से ए पर आ गया 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। फाइनली 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है ना, ए बी ए ओ ए बी, ठीक है, 20 मीटर ईस्ट में गया। फिर बी से कहाँ आ गया बच्चों, बी से 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड फाइनली इन साउथ वेस्ट। अब यहाँ से देखो ये समझने की कोशिश करना, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ से अब साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट तो इधर आएगा ना, यहाँ से 45 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ से साउथ वेस्ट 45 डिग्री पे वो इधर कहीं आएगी, यहाँ पे फाइनली सी पोजीशन पे आ गई, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट, फर्स्ट मेथड क्या था कि डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल वाली लाइन ज्वाइन कर दो, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो ये वाली लाइन, पिंक वाली, पिंक पिंक दिख नहीं रहा होगा, काला वाला, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ये वाली लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया वो आ जाएगा ओ सी वेक्टर, ठीक है ना, ओ सी वेक्टर मतलब अलोंग द वेस्ट। तो अलोंग द वेस्ट 10 मीटर अलोंग द वेस्ट एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बाकी सारे क्या है, गलत है, ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10 मीटर इसकी निकाल लो, ये इसमें आ जाओ, ये 45 है और ये 20 है, तो यहाँ एक ट्राइंगल बना, तो ये भी कितना हुआ 45। तो अगर ये 45 हुआ तो ये पॉइंट कुछ 20 हुआ, तो ये 45 है तो ये भी तो 20 ही होगा ना, ये जो साइड है वो भी तो 20 मीटर होगी, ये 20 है तो ये साइड कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि ये 45 है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो ये 45 है तो ये पूरा 30 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो अगर ये 10 मीटर आ गया, ये 45 है, 90 है, तो ये भी 45 है, तो ये भी 10 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -10 i कैप, ठीक है ना, जो कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये बताया था मैं कि इन सभी को वेक्टर में रिजॉल्व कर दो, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैं क्या बताया था, वेक्टर मेथड, ठीक है ना, वेक्टर वाला मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों, वेक्टर मेथड। यहाँ से बॉडी ऊपर गई 30 मीटर 20 मीटर और यहाँ से 45 डिग्री पे, ठीक है ना, 45 डिग्री पे कितना चली है, कितना चली है भाई, 45 डिग्री पे कितना चली है यार, 30√2, तो 30√2 45 डिग्री पे चली है, तो ये आ जाएगा 30√2 45 डिग्री पे, ठीक है, थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ये तो ये 30 क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 30√2
ये वाली, ठीक है, और ये 30 है और ये 20 है, ठीक है। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करो, इस मेथड में क्या करते हैं बच्चों, जो भी डिस्प्लेसमेंट है सबको एक्स वाई जेड में कर लेते हैं। तो ये पहले से ही वाई में है, इधर मेरा एक्स और इधर वाई है, और ये एक्स में है, तो ये 45 डिग्री के दो कॉम्पोनेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये एक कॉम्पोनेंट हो गया 30√2 sin 45, ठीक है ना, 30√2 sin 45 ये आ जाएगा 30, और इधर एक कॉम्पोनेंट इसका आ गया जो कि 30, ठीक है। तो ये जो है वो नीचे आया, तो 30 जे कैप और ये माइनस आई कैप, ठीक है ना, ये माइनस वेक्टर में लिखोगे तो माइनस जे कैप। चलो तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से 30 जे कैप, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आगे कितना गई प्लस 20 आई कैप, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट जो ऐसे हुआ था उसको मुझे एक्स एंड वाई में रिजॉल्व कर दिया मैं, तो एक आ गया माइनस 30 जे कैप जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड गया, एक आ गया माइनस 30 आई कैप जो कि इधर गया। तो माइनस 30 जे कैप, माइनस 30 जे कैप को कैलकुलेट कर लिया, किया जाएगा माइनस 10 आई कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, तो उसकी 10 मीटर उसकी डायरेक्शन, 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और आई कैप इसका डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप ये दोनों मेथड आपको वेक्टर में अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आसान आसान सवाल है, एरोप्लेन मूव फ्लाई 40 मीटर नॉर्थ 30 मीटर साउथ एंड देन फ्लाई ओनली अपवर्ड देन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब यही डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, एक एरोप्लेन है नॉर्थ में गया, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ में गया 400 आई कैप, सॉरी 400 जे कैप, साउथ में गया, नॉर्थ में गया जे कैप माइनस, साउथ में गया माइनस 300 जे कैप, ठीक है। उसके बाद फ्लाई अपवर्ड ऊपर आया है प्लस 1200 के कैप, तो ये इसका वेक्टर इक्वेशन है, ये जो एरोप्लेन चल रहा है ये इसका वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। तो अब जब इसका वेक्टर इक्वेशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो ये 100 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1200 का स्क्वायर, अंडर रूट जोड़ जाड़ लो इसको, कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आता है यार, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली 1200 आएगा, ठीक है ना। देखो की में मैच करो, देखो कौन सा सही है, तो हाँ 1200 अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर आ जाएगा, तो 1200 मीटर ये वाला सही है, ठीक है ना, नियरली 1200 आसपास अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। चलो, एक एथलीट से कंप्लीट वन राउंड है सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस आर इन 40 सेकेंड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स और 20 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई एथलीट्स यहाँ से चलता है, कोई एथलीट्स ही है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है ए पोजीशन से, तो फाइनली जो पूरा चक्कर लगाने में कितना लग गया, 40 सेकेंड लग गया, तो 2 मिनट 40 सेकेंड में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट 40 सेकेंड में 140 सेकेंड हो गया, तो 40 सेकंड में 40 + 40 + 40 + 20, ठीक है ना, तो 120 + 40 = 140, तो 3 चक्कर तो पूरा कर लिया, समझ रहे हो भाई। एक एथलीट से यहाँ से चलता है, यहीं से चला और यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, भाई ओ से चला था, ओ पर ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया ना भाई, यहाँ से चला था और यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इस तरह से ये 2 मिनट में कहाँ है पहले उसको देख लो, तो 2 मिनट में 3 चक्कर तो पूरा लग गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो फाइनली वो यहाँ पर है, यहाँ पर है फाइनल पोजीशन, 2 फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, 2 मिनट 40 सेकंड बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो यहाँ पर है, बी पोजीशन पर है, ए से बी पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, क्लियर है ना, डायमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है भैया,
ये एक क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर। देखो जो व्हील है उसकी रेडियस 1 मीटर दे रखा है, व्हील है रेडियस 1 मीटर, मूव हाफ रिवोल्यूशन, मूव फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है। कितनी चली है, आगे गई है, आधी गई है, आगे गई है, आगे रोल किया है, समझ रहे हो ना, रोल, रोलिंग मोशन, आगे जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट इनिशियली इन द ग्राउंड। अब समझो इसको, ये पूछा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या जानना चाह रहा है आपसे, व्हाट एक्चुअली ही वांट टू नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या जानना चाह रहा है कि जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में पॉइंट था वो कहाँ गया आधा रिवोल्यूशन के बाद। अब देखो ये जो, जब ये व्हील यहाँ पर है, ठीक है, व्हील यहाँ पर है, तो जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में जो पॉइंट है वो ये है, ये वाला जो पॉइंट ए है ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है। तो जब आधा रिवोल्यूशन, आधा व्हील घूमेगा, हाफ घूमेगा, तो हाफ घूमेगा तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हाफ रोटेशन के बाद, आधा घूमने के बाद ये पॉइंट सीधा वर्टिकली अपवार्ड रहेगा, सीधा ऊपर रहेगा, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट वर्टिकली ऊपर रहेगा, समझ रहे हो। तो हाफ हाफ रोटेशन के बाद ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है वो देख रहे हो आप, यहां आ रहा है, ठीक है, सीधा वर्टिकली अपवार्ड आ रहा है, यहां आ रहा है, समझ रहे हो, यहां पर आ रहा है एलो वाला पॉइंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, दिस लेंथ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जो ओ है ये फाइनली ए मान लो पॉइंट बी है, फाइनली वो पॉइंट सी पे है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अरे भाई ये किसी पॉइंट का, पॉइंट किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पॉइंट ए का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉइंट ए कहाँ था, यहां था, जब ये पूरा आधा घूम जाएगा तो पॉइंट ए यहां रहेगा, ठीक है ना, पॉइंट ए आधा रोटेशन के बाद यहां आ रहा है, ठीक है, आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा है ना, आधा रोटेशन के बाद जो पॉइंट ए है वो बेसिकली जो पॉइंट ए है हाफ रोटेशन के बाद टॉप पे चला जाएगा, देखो, ठीक है, तो हाफ रोटेशन के बाद जो पॉइंट है वो यहाँ टॉप पे आ जा रहा है। तो अगर ये पॉइंट टॉप पे आ जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ये तो डायमीटर हो गया, ये तो 2r हो गया, ठीक है ना, BC 2r हो गया, तो AB कितना हो गया। अब देखो पूरा जो सर्कमफेरेंस है, ये अगर सर्कल रेडियस r है तो इस सर्कमफेरेंस को खोलोगे तो ये 2πr बनेगा, ठीक है ना, 2πr, ये पूरा व्हील को खोल दोगे तो 2πr बनेगा, समझ रहे हो ना। तो आधा घूमा है, तो आधा घूमा है तो ये πr आ जाएगा, BC जो है वो πr आ जाएगा, समझना इसको। अगर पूरा घूमा होता, पूरा घूमा होता तो जो BC, जो AB होता वो 2πr होता, आधा घूमा है तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा πr, तो AB अगर πr आ जाएगा तो ये 2r हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, πr का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर अंडर रूट, r 1 मीटर था तो ये πi प्लस 4 अंडर रूट सोल्यूशन है, ठीक है ना, तो पाई 4 अंडर रूट सोल्यूशन है, पाई स्क्वायर आएगा, प्यारा बेटा, प्यारे बच्चे, गलत बात है, पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर 4, तो पाई स्क्वायर 4 है कोई, पाई स्क्वायर 4, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो फटाफट करो, ये कहता है डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट भी एडेड है, 7 पॉइंट इन द एक्स डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देखो 25i cap minus 6j cap का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू द गिवन डिस्प्लेसमेंट पॉइंटिंग इन द एक्स एक्सिस। अब व्हाट डिस्प्लेसमेंट मैं इसमें, इस वाले वेक्टर में मैं कितना और ऐड कर दूं, समझना इसको,
इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूं जिससे जो रिजल्टेंट आए वेक्टर वो किधर हो, 7 मीटर एक्स एक्सिस में हो, ठीक है। तो मान लो इसमें लेट मैंने एक्स वेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है, जिससे रिजल्टेंट 7 मीटर इन द एक्स डायरेक्शन आ गया। तो 25 i कैप माइनस 6 j कैप में मैंने एक वेक्टर ऐड कर दिया एक्स वेक्टर, ठीक है, जिससे जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट r, वो कितना आ रहा है, 7 i कैप आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो, समझना, 7 i कैप 7 मीटर इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो i कैप उसको उधर ले जाओ, माइनस 7 18 माइनस 18 और प्लस 6 j कैप, सी ऑप्शन सही है। यहाँ से x निकाल लो, तो x निकाल लोगे तो उसको इधर ले जाओगे तो माइनस 18 i कैप प्लस 6 j कैप, ठीक है। कुछ वेक्टर था उसमें कितना वेक्टर ऐड करें कि नया वेक्टर मिले, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इतनी है। चलो एक रूम है जिसकी डायमेंशन इतना दिया हुआ बच्चों, ये स्टार्ट फ्लाइंग वन कॉर्नर इन डायमेटली अपोजिट कॉर्नर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक रूम है, यहाँ में एक मच्छर मस्कीटो एक फ्लाई है या मस्कीटो है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, समझना इसको। एक फ्लाई या मस्कीटो एक कॉर्नर से ए पॉइंट से उड़ना स्टार्ट करती है, ऐसे 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 उड़ती है, कहाँ जाती है, मैंने जस्ट अपोजिट बी पोजीशन पर है, ए से उड़ना स्टार्ट की है और वो बी पे चली गई है, हमें इसे मतलब नहीं है वो कैसे गई है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इनिशियल से फाइनल सीधी एक लाइन, तो डाइएगनल, क्यूबॉइड का डाइएगनल। तो क्यूबॉइड का डाइएगनल क्या होता है, क्यूबॉइड का डाइएगनल होता है लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर से भी आई जे कर सकते हो, तो इसका स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 और जोड़ लो इसको 50 और 16, 50 50 100 10 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। 5 कितना आ रहा है, 25 और ये 25, ठीक है ना, ये 50 50 अंडर रूट, तो 50 अंडर रूट कितना हो गया है, 5 root 2, तो 5 root 2 है ये, 5 root 2 है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप इसको आई जे के में भी कर सकते हो, आई होप के समझ में आए। 3 y स्टैंडिंग, चलो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। देखो कहता है 3 y स्टैंडिंग ऑन द फाउंटेन ऑफ ए सर्कुलर बाउंड्री, ठीक है, एक फाउंटेन है जिसकी बाउंड्री सर्कुलर है, यहाँ पर फाउंटेन है, ठीक है। दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इच, तीनों बॉय इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक ना, तीनों बॉय हैं, एक लड़का यहाँ है और एक लड़का यहाँ है, ठीक है, और दूसरा वाला लड़का इधर है। तो दे आर 3 बॉय एट द इक्वल डिस्टेंस इफ द रेडियस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फाउंटेन, ये सेंटर है सेंटर O, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ प्यारे बच्चों, ये वाले, ठीक है, तो ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज रेडियस r इज इक्वल टू 5 मीटर, रेडियस r इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉय। अब दोनों के बॉय के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ए बी सी तीन ट्राइंगल है, समझ रहे ना, तो ए बी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, ए बी ए सी या बी सी, यही क्या है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कैसे निकाला जाए,
तो चलो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो बाई सिमेट्री अगर 60 डिग्री हुआ, तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो रेडियस, तो इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से ये एंगल 30 डिग्री आ गया। दिस एंगल इज, समझना इसको, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 60 हो गया और ये 30 हो गया। तो जो ओ एम परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ए एम का 2 टाइम्स ए बी होगा। तो ए एम निकाल लो, तो ए एम निकाल लो, उसका 2 टाइम्स ए बी आ जाएगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो जो ए बी, जो ए एम निकाल लो पहले, ए एम, चलो ए एम निकाल लेते हैं। ए एम, ए एम की वैल्यू आ जाओ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया इस टाइप से, ये 30 और ये आर 5, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 cos 30। तो 5 cos 30 इज इक्वल टू 5√3/2, तो 5√3/2, समझ रहे हो। तो ये जो ए एम आ गया, जो ए एम आ गया, ए एम वो आ जाएगा 5√3। तो ए बी जो है वो 2 टाइम्स ए एम है, समझना, जो ए बी है, ए बी वो 2 टाइम्स ए एम है। तो 2 टाइम्स ए एम है, तो 5√3 मीटर इसका आंसर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2/5√3। बी ऑप्शन सही है, ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हो ना। समझना इसको, समझते रहना, वीडियो पॉज करके कई बार देखो। चलो इसको ट्राई करो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लो मैंने देख ली दुनिया कितनी खूबसूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। चलो बच्चों इसको करो, तो चलो इसको करते हैं वाई। अब देखो एक थोड़ा सा इसको कोशिश करो, मतलब अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि एक पार्टिकल ऐसे पाथ पे चल रहा है, ऐसी ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, वेयर थीटा इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स है। थीटा की वैल्यू साइन थीटा के कर्व पे चल रहा है, साइन का कर्व है, वेयर एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 4 है। तो ये आ जाएगा 4 sin bx। इस टाइप के पाथ पे पार्टिकल चल रहा है। अब ये कहता है कि जब b की वैल्यू इतनी होगी, π/6 होगी, और x की वैल्यू 3 होगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो चलो, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे, साइन का कर्व ऐसे है, ऐसे चल रहा है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो है कहाँ पर। तो यहाँ से चला था x इज इक्वल टू 0 पे, y की वैल्यू क्या है, 0 है। देखो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, साइन 0 होता है, ठीक है। अब ये उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये उसका इनिशियल पोजीशन हो गया। चलो फाइनली वो कहाँ है, x की वैल्यू, फाइनल पोजीशन, x की वैल्यू 3 मीटर हो गया, कहाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, x की वैल्यू 3 मीटर हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू देखो यहाँ रखो 3, 4 sin b की वैल्यू π/6 रखो, π/6 और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 π/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। तो ये उसका फाइनल कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये फाइनली, तो वो इधर कहीं होगा, ठीक है ना, 3, 4 पे। तो ये यहाँ से आ गया 3 और ये आ गया 4, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो 5 मीटर थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो, ए बॉडी कवर एल मीटर अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ,
Calculate the magnitude of displacement of the body and the ratio of a body cover, देखो, L meter. लो मैंने देख ली दुनिया. चलो प्यारे बच्चों, a body cover L meter along a semicircular path. चलो एक semicircular path और बना लो. अरे भाई क्या हो गया? एक semicircular path है. अब एक बच्चा यहां से चलता है, ये वो बच्चा है जो चलेगा. कहां से कहां चलता है? यहां से चलता है, यहां पे आता है, इस रास्ते चलता है. सेमी सर्कुलर ए से बी पर आया है, इस रूट से आया है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ द बॉडी कवर ए डिस्टेंस, ए बॉडी कवर ए डिस्टेंस एल मीटर लॉन्ग सेमी, जो ए आर्क है एल मीटर है, ठीक है. आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ एल मीटर दे रखा है. तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितना हो गया है? डिस्टेंस तो ऐसा ही दिख रहा है, डिस्टेंस आर्क की लेंथ एल मीटर, क्लियर है. और अगर इस सेमी सर्कल का सेंटर आर है, इसकी रेडियस ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डायमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टू आर डायमीटर, लेकिन आर दिया नहीं था, ठीक है. तो आर दिया नहीं था तो पाई आर इज इक्वल टू एल होगा. टू पाई आर, टू पाई आर होता तो आधा है ना, आधा, तो आधा पाई आर, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल बाई पाई. तो आर की वैल्यू एल बाई पाई आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ गया, डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा टू एल अपन पाई, टू एल अपन पाई डिस्प्लेसमेंट. तो रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकाल लो. किसका किसका रेशियो पूछा है भाई? बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट. रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? एल. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? टू एल अपन पाई, तो टू एल अपन पाई ऊपर चला गया. तो फाइनली पाई रेशियो टू इसका सोलूशन है, पाई रेशियो टू इसका सोलूशन है. आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा. एक इंसेक्ट मूव करता है अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर. फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. चलो एक सर्कुलर पाथ में एक इंसेक्ट है, ये सेंटर ओ है, कोई ओ है, ये ओ डैश है, ओ डैश अच्छा नहीं लग रहा ना. तो ये ए से इस तरह से सर्कुलर पाथ में इंसेक्ट चलता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चलो अगर एक इस सर्कुलर पाथ में एक इंसेक्ट चला तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वीडियो पॉज करो और सोचो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका डायमीटर होगा. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायमीटर होगा भाई. मतलब 2R, मतलब रेडियस 7 था, मतलब 14 मीटर इसका आंसर है, ठीक है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. कभी इंसेक्ट यहाँ तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, कभी इंसेक्ट यहाँ तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, कभी इंसेक्ट यहाँ तो उसका डिस्प्लेसमेंट है. तो जब यहाँ इंसेक्ट है तो ये डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है. इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होते होते यहाँ क्या आ जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. तो जो डायमीटर है ये वाला, वो डी मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इंसेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस थ्रू एंगल थीटा, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, ठीक है, समझना इसको. इंसेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस थ्रू एन एंगल थीटा. अब अगर ये सर्कल है, इस सर्कल पे यहाँ पे एक इंसेक्ट थीटा डिग्री मूव किया है, ये थीटा डिग्री है और ये ओ है, समझ रहे हो, ये थीटा डिग्री है, ओ है. एक इंसेक्ट ए से बी पर चला गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला गया थीटा डिग्री, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है. तो चलो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका. डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल लाइन, क्या इसकी लेंथ आपको पता है? नहीं पता ना, तो निकालेंगे.
तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ये वाला, ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया जिसका नाम रख दूं बीएम, बीएम परपेंडिकुलर डाल दिया, समझना इसको। तो बीएम अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दिया तो ओएम कितना, यहां देखो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस पूरे ट्रायंगल को मैं इधर बनाता हूं, बाहर आपको समझ में आएगा। ये आर्क है और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये ओ है, ये एम है, ये ए है और ये बी है, और इस टाइप से पार्टिकल गया है, ठीक है। हमें चाहिए डी, ये वाला डी। तो डी अगर मुझे, देखो सिंपल सा क्या लॉजिक डेवलप करें, अगर मुझे बी एम पता चल जाए और ए एम पता चल जाए तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर अंडर रूट। अरे भाई क्लियर है, देखो इस वाले ट्राइंगल ए ने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना डी, तो डी ए एम अगर ये वाली साइड पता चल जाए, ये वाली साइड पता चल जाए, ठीक है, तो डी पता चल जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो एक काम करो प्यारे बच्चों, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ, ये थीटा है, ये आर है इस वाले राइट, तो ए तो ये वाली साइड ओ एम कितना हो गई, तो ओ एम हो गई आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ओ एम हो गई आर कॉस थीटा, तो ओ एम आर कॉस थीटा हो गई, और पूरा कितना था ओ ए कितना था, तो ओ ए जो था ओ ए था वो आर था, तो ए एम कितना आ गया, तो ए एम आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, मतलब आर वन माइनस कॉस थीटा, तो आर वन माइनस कॉस थीटा ये आ जाएगा, ठीक है, आर वन माइनस कॉस थीटा ये आ जाएगा ए एम, ठीक है, तो ए एम अगर इतना आ जाएगा तो बी एम कितना आ जाएगा, बी एम ए वाला सामने वाली साइड, ये आर है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो बी एम आ जाएगा आर साइन थीटा, तो बी एम आ जाएगा आर साइन थीटा, तो आर अब ये दोनों वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू ए एम, ए एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आर स्क्वायर आर बाहर आ गया, ठीक है, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टू कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आर, ठीक है, और ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो टू और टू और टू कॉमन ले लिए, तो वन माइनस कॉस थीटा अंडर रूट ये बचा, ठीक है, तो वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा याद करो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कुछ याद आ रहा है, टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अंडर रूट, ठीक है, तो कुछ मिला के टू आर साइन थीटा बाई टू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। आया बात समझ में, नहीं आया वीडियो रिवर्स करके मेरी बात फिर से सुनो और देखो तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, एक सेकेंड मेथड बताता हूं, इस की को हमेशा याद रखो कि अगर ये पोजीशन वेक्टर r1 है और ये पोजीशन वेक्टर r2 है तो पार्टिकल a से b तक आता है। अब फिजिक्स का एक रूल है या एक रिजल्ट है कि अगर कोई भी वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन में बदला है, पोजीशन वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन में बदला, मैग्नीट्यूड में नहीं बदला है, रेडियस जितना यहाँ था उतना इधर भी है, तो सिर्फ अगर कोई भी वेक्टर डायरेक्शन में बदलता है तो जो उसमें चेंजिंग आती है डेल्टा आर, वो टू आर साइन थीटा बाई टू मैग्नीट्यूड में आता है, तो इस हिसाब से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में। कोई भी वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है, तो उस वेक्टर में कितनी चेंजेज आया 2r sin थीटा बाई 2 उसे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई? हाँ, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आसान है कि एक पार्टिकल इस आर्क पे चला गया तो थीटा डिग्री चला गया, ए से बी तक चला गया, तो इस आर्क की लेंथ ही क्या होगी, आर्क की लेंथ क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी। तो आर्क की लेंथ अगर डिस्टेंस होगी तो कितना होगी, आर्क की लेंथ क्या होती है, आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है ना, तो इतना मीटर डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके थे। हाँ चलो, ए कार मूव फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ ए बी सी शोन इन फिगर, व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। चलो अब एक कार इधर से इधर देखो कहां से कहां चलती है, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो होता है। प्यारे बच्चों, देखो इसको सॉल्व करो, कोशिश करो, देखो होता है। कहने को तो दुनिया में कान जानो तुम जैसे इस शहर में। अच्छा क्वेश्चन था, अगर इसको आप कोशिश किए, आई होप कि आप कर लिए होगे इसको। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ओ टू डी, ओ से फाइनली ये इनिशियल पोजीशन है, ओ से डी पर गया, ये फाइनल पोजीशन है, तो उसका डिस्टेंस निकालो। देखो डिस्टेंस कितना चला, 8, 4, 12, 12 और 12, 4, 16, 1, 17, 17। तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस चला 17 मीटर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए भाई, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल एक लाइन ज्वाइन कर दो, ये वाली वेक्टर जो ओडी की लेंथ है, ओडी की जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो M, ठीक है ना, ओ डी एम। तो ये जो 4 है, समझ रहे हो ना, ये पूरा 4 है, ए 1 है, तो ये 3 आ गया, समझ रहे हो, और ये पूरा 4 है और पूरा 8 है, तो ये 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया है, ये वाला जो ट्रायंगल बन गया है, समझ रहे ना, ओ एम परपेंडिकुलर डाल दिया हूँ और डी है, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री और ये आ जाएगा OD 5 मीटर। तो 5 मीटर साउथ वेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा वो 5 मीटर आ जाएगा, जो कि यहाँ से 37 डिग्री पे। ठीक है ना, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलो एक नेक्स्ट ये देखो, ट्राई करो, पॉज करो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, सेल्फ ट्राई करो, इसको देखो, बहुत सारे लोग इसको कर लेंगे। तो कोशिश करो, देखो होता है कि एक पार्टिकल ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से ई पर गया, ई से एफ पर गया, एफ पे जी से गया, यहां से चला था, ठीक है ना, समझ रहे, यहां से चला था प्यारे बच्चों, और फाइनली पार्टिकल यहाँ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैं क्या बताया था कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट देख लो, जो ए बी है वो 2 है, जो सी डी है, डी ई है 1 है, सी डी कहाँ है, सी डी और डी ई 1 है, बाकी सारे 2 लेंथ के हैं, तो ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है,
तो नेट डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो देखो कितना हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में 2i कैप तो इधर दिख रहा है, 2i कैप इधर आ गया। उसके बाद ये 1i कैप माइनस i कैप इधर है x एक्सिस में, फिर अगेन 2i कैप प्लस 2i कैप x एक्सिस में, तो कुल मिला के 3i कैप x एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है? और उसी तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में कितना आया, y एक्सिस में bc 2j कैप माइनस 2j कैप, फिर d प्लस j कैप, ठीक है, और ये y एक्सिस में फिर नीचे आया फिर माइनस 2j कैप, तो यह जाएगा माइनस 2j कैप और माइनस, तो माइनस 3j कैप, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट इनको जोड़ लो तो नेट डिस्प्लेसमेंट d आ जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में कितना है, 3i कैप, ठीक है, और माइनस 3j कैप, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रूट टू और 3√2 आ जाएगा। ये इतना मीटर सोल्यूशन सही है, ठीक है ना, अच्छा ना, डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। चलो, तो ये पार्टिकल मूव अलॉन्ग द पाथ ए बी शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू डी। तो ए से डी तक देखो, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से डी तक। ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल है। फाइनली पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर, फाइनली यहाँ पर है। तो ये वेक्टर वाला मेथड ही यूजफुल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 37, तो ये अगर 37 दिया तो इसके कॉम्पोनेंट कर दो, 5 cos 37, और यह आ जाएगा ऊपर 5 sin 37, ठीक है, sin 37। 37 वाला ट्रायंगल सबको याद है ना, तो ये 37 होता है, ठीक है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। तो cos 37 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर, और ये sin 37 रखो, ये आ जाएगा ये 3 मीटर, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट देखो 3i कैप, ये वाला 3i कैप, और भी x एक्सिस में हाँ है, प्लस 4i कैप, ठीक है। तो कुल मिला के 7i कैप x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ गया। चलो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखो, पार्टिकल का y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखो, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो y एक्सिस में कितना आ गया बेटा, y एक्सिस में ऊपर गई 4j कैप और प्लस ऊपर ये, ठीक है, 3j कैप, कुल मिला के 7j कैप, ठीक है ना। ये जो था, ये जो डिस्प्लेसमेंट था उसके कंपोनेंट कर दिए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा 7i कैप और प्लस 7j कैप, ठीक है, d। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7√2 मीटर, इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप कि ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वन, इसमें क्या है, देखो एक स्पाइरल पाथ है, इसको कोशिश करो, ट्राई करो आप लोग, देखो कितना होता है। ये कहता है कि ये स्पाइरल मेड ऑफ द सक्सेसिव सर्किल विद अल्टरनेट ए एंड बी, द रेडियस आर 0.5, व्हाट इज द टोटल पाथ लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड बाय द 13 कंजुगेटिव सर्कल, ठीक है ना। अब इस स्पाइरल में यहाँ से एक स्पाइरल बने हैं, ठीक है ना, ए देखो स्पाइरल बनते हैं, हर एक की जो रेडियस है, पहले तो रेडियस 0.5 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर एंड सो ऑन। What is the total path length means 13 successive conjugate, 13 ऐसे 13 spiral बने हैं, ठीक है ना, ऐसे 13 spiral बने हैं, तो हर एक spiral की जो 13 spiral उसकी path length calculate करना है।
तो टोटल पाथ लेंथ ठीक है, या डिस्टेंस, पाथ लेंथ या डिस्टेंस सबको जोड़ लो, ठीक है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस सबको जोड़ लो। पहले पहला सेमी सर्किल L1 प्लस L2 प्लस L3 और प्लस L4 एंड डॉट L13 टाइम्स, कितने टाइम्स जोड़ने हैं, ऐसे हम लोगों को 13 टाइम्स जोड़ लेने हैं, ठीक है ना, L2 13 टाइम्स, ठीक है, एक मिनट यार। तो इस तरह से हमें 13 टाइम्स जोड़ लेने हैं, ठीक है, तो L=L13 टाइम्स, ठीक है। तो जो रेडियस था, अब देखो जो रेडियस था, रेडियस कितना था, देखो 0.5, 0.1, 1.2 इस टाइप से रेडियस है, रेडियस देखो इधर। तो अगर रेडियस ऐसे है तो एक स्पाइरल जो L1 आ जाएगी, जो L1 इधर देखो, L1 जो आ जाएगी वो आ जाएगी पाई आर, तो पाई आर मतलब 0.5 पाई, ठीक है ना, आर की वैल्यू 0.5 है। और जो L2 आ जाएगा वो आ जाएगा 1, तो पाई। जो L3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, L3 जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 पाई। उसी तरह से L4 आ जाएगा 2 पाई एंड सो ऑन 13 टाइम्स, ठीक है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ूँ, इसको जोड़ो यहाँ पे, तो जब इसको जोड़ोगे तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई एंड सो ऑन, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 0.5 पाई कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो 0.5 अगर पाई मैं कॉमन ले लूँ, तो समझ रहे ना, 0.5 तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 0.5 और 0.5 पाई से पाई 3, ठीक है ना, और प्लस पाई और पाई पॉइंट, समझ रहे ना, पॉइंट प्लस 4 एंड सो ऑन 13 टाइम्स, ठीक है ना, कॉमन ले लिया हूँ, क्लियर है इस टाइप से। तो ये जो टर्म बन रहा है, ये जो टर्म वो एपी है, एपी, क्लियर है, एपी पढ़े होगे, ठीक है। तो सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सम ऑफ, यहां एक फार्मूला लगेगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है उसका यहां पे फार्मूला लगेगा, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ठीक है, तो 2n-1d ये वाली चीज, तो 2n-1d। अब जो ये जो सम ऑफ n टर्म ऑफ ap बना, उसमें जो n है 13, a है फर्स्ट टर्म 1 है, और ये, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो कितना आता है, इसको सॉल्व करो तो जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस d, वो 0.5 पाई और मल्टीप्लाई कर दो n/2, ये 13 बाई टू और 2 फर्स्ट टर्म 1 है, a फर्स्ट टर्म है, और प्लस 13-1 12 है, और कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस 1 ही है। तो अल्टीमेटली, तो जब इसको सॉल्व करोगे, पूरा इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो 142 के आस ये आ जाता है, ठीक है, पूरा इसको सॉल्व कर लो, तो देखो पूरा इसको सॉल्व करो, 142 मीटर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, वेयर ए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न्स है, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस
हर टर्म में कॉमन डिफरेंस वन है, ठीक है। तो आई होप कि आप को ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप थ्योरेटिकल लेक्चर देख लेना, फिर ये लेक्चर न्यूमेरिकल देख लेना, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं है।